एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 5। तो इसमें हमने क्या पढ़ना, देखो बेटा हमने गुणा और भाग करना सीखा किनको, प्रमेय संख्याओं को। ठीक है, तो अब प्रमेय संख्याओं की गुणा और भाग के बारे में कुछ से देखते हैं। देखो बेटा 3 × 5 = 15 हो गया, 15 भी कैसा नंबर है प्रमेय। 1.2 को 3 से गुणा करूँगी 3.6, ये भी कैसा प्रमेय। अब उसने बोला 5.3 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी कैसा है प्रमेय। अब 32 को 2 से भाग किया कितना बन गया 16, और 16 भी कैसा है प्रमेय, 16 भी क्या है प्रमेय। क्लियर है। अब 4.2 को 3 से भाग करूंगी तो 1.4, और 1.4 भी क्या है प्रमेय। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं प्रमेय संख्या को प्रमेय संख्या से गुणा कर रही हूँ, भाग कर रही हूँ, तो आंसर भी क्या आ रहा है, प्रमेय संख्या। ठीक है, तो अब अप्रमेय संख्याओं को गुणा और भाग करना सीखते हैं। अब देखो इसने क्या बोला, अगर आपको ये दे रखा है वर्गमूल 2 × वर्गमूल 3, तो कैसे लिखोगे। देखो बेटा आपने ये रूल पढ़ा है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, गुना 3 की पावर 1/2। ठीक है, ये जो है ये बेस आपके सेम है, पावर पावर सेम है, बेस अलग अलग है। और गुना में तो बेस को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं और पावर को एक जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन गया वर्गमूल 6, ये काम सेम है। और ये कैसा नंबर है अप्रमेय। ठीक है, अब देखो आगे ऐसे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से अगर गुना करूंगी तो ये देखो आधार सेम है, मल्टीप्लाई गुना में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जोड़ दो तो कितना बन गया 2 की पावर 2/2, तो कितना आ गया 1। और 2 कैसा नंबर है प्रमेय। क्लियर है सबको। अब आगे देखो, अभी अभी बताया था √3 और √8 को, 8 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 2, जिसका पेयर बन गया, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर निकाल लो वर्गमूल से, एक नंबर बाहर आ जाएगा जिसका जोड़ा बन गया। तो 2 बाहर, अंदर क्या बचा 3, 3 × 6। ठीक है, और ये कैसा है अप्रमेय। आ गया सबको समझ। आगे देखो √3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले √3 को 2 से करूंगी, और 2 से करूंगी तो कितना बनता है, बन जाएगा 2 वर्गमूल 3, जमा जब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 5 से करूंगी तो वर्गमूल 3 × वर्गमूल 5 वर्गमूल 15। और ये दोनों ही कैसे हैं अप्रमेय संख्या है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसने बोला वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 5। जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट दिखे तो सबसे पहले पहली ब्रैकेट की पहला वर्ड उठाओ और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जमा √3 वर्गमूल 3 और इसको इससे कर दो, तो क्या बनेगा, इससे करूँगी तो 3 वर्गमूल 2 घटा, इसको इससे करूँगी तो √10 जमा इससे करूँगी तो 3 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 3 वर्गमूल 5, कितना बन गया वर्गमूल 15। ये सारे अलग अलग है, नहीं जोड़ सकते, तो ये सारे की सारी कैसी संख्याएं अप्रमेय। ठीक है, आगे देखो 3 वर्गमूल 3 को अगर वर्गमूल 3 से क्या करती हूँ, भाग करती हूँ, तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, क्या बचा 3, और 3 कैसी संख्या अप्रमेय। वर्गमूल 10 को वर्गमूल 2 से भाग करोगे तो कितना बनेगा 2 × 5 = 10, तो कितना बन गया वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 कैसा है अप्रमेय। ठीक है, आगे देखो क्या 2 प्रमेय संख्याओं को गुणा करने पर अप्रमेय संख्या मिल सकती है। जब भी मैं 2 प्रमेय संख्याओं को गुणा करूंगी तो कभी भी एक प्रमेय अप्रमेय संख्या नहीं मिलेगी। अभी अभी हमने पढ़ा था प्रमेय को गुणा करोगे तो हमेशा प्रमेय ही आंसर आएगा। अप्रमेय अप्रमेय में ऐसा हो सकता है कि प्रमेय संख्या मिल जाए, तो हाँ अभी अभी तो किया था। अब इसको देखो 10 को क्या लिख सकते हो 2 × 5, और यहाँ से × 5, तो जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, अंदर क्या बचा, इनको करूँगी तो यहाँ पे कितना बनेगा 3 × 6 को क्या लिखोगे 2 × 3। ठीक है, 3 2 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर, अंदर क्या बच गया वर्गमूल 2। ठीक है, आगे देखो इसने बोला इसको इससे गुना करूंगी तो कितना बनेगा, वही 6 को क्या लिखा 3 × 2, और ये आपका 3, और जमा इससे करूंगी तो 2 वर्गमूल 6,
ठीक है, तीन का पेयर बन गया तीन बाहर, अंदर क्या बचा, वर्गमूल दो, और यहाँ से दो वर्गमूल छः, और ये सारे के सारे अप्रिमेय हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डी पार्ट में वर्गमूल 15 को वर्गमूल 5 से भाग करना है, तो 5 तीय 15, तो कितना आ गया वर्गमूल 3, आपका आंसर आ गया, जो कि एक अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट वर्गमूल 7/21, इसको सोल्व करूंगी तो 7 एकम 7, 7 तीय 21, तो ये कितना बन गया 1/√3, और ये कैसा है अप्रिमेय। ठीक है, अगर इसको सोल्व भी करोगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3/3। ठीक है, तो अगले आते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे इसने बोला 18√3/6√3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3, 6 तीय 18, तो कितना आ गया 3, और 3 कैसा अप्रिमेय संख्या। आगे देखो इसको इससे गुना करना है, तो 27.8 दशमलव हटाया गुना 15, तो 5 तीय 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 नीम 18, गुना कर दो, 3 नीम 27, 2 3 तीय 9 और 2 11, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, और ये कैसा है प्रिमेय। ठीक है, लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में देखो क्या बोला, अगर दशमलव हटाऊंगी तो ये आ जाएगा, और गुना दो कर दो, गुना 2 6 12, 2 एकम 2, दशमलव लगाऊंगी तो क्या आ गया 2.21। ठीक है, ये आपका आंसर, और कैसी संख्या ये प्रिमेय। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 5, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।